हेलो दोस्तों, मम्मा ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपकी मशीन ऊपर या नीचे लच्छेदार सिलाई देती है, यानी कि खराब सिलाई देती है, तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीनाबुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही मुश्किल से ये सिचुएशन मेरे को खड़ी करनी पड़ी है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरी मशीन तो अभी ओके चल रही थी, मैं अपनी मशीन की सर्विस जो है मैं आपको भी राय दूंगा कि 3 महीने में एक बार रिपेयर, यानी कि अच्छी तरीके से मशीन वाले के पास जाके आप साफ़ सफाई करवा लें या खुद से तेल वेल ऑयल डाल लें सफाई से, तो ये मशीन ओके रहती है और लाइफ टाइम चलती रहती है। अब दोस्तों, मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस तरीके की आपकी सिलाई आती है, तो आप ये कैसे करेंगे। ये सिलाई नीचे की सिलाई है और ये दोस्तों ऊपर की सिलाई है। मैं अभी सिचुएशन बनाई है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, कपड़ा है, आधे कपड़े को हम लेंगे इस तरीके से और आधे कपड़े में आपको दिखाते हैं सिलाई लगा के। तो डबल कपड़ा करने के बाद ही हमेशा सिलाई लगती है, तो हम इस पर सिलाई मारते हैं। पहले देखिए, मैं सिलाई लगा रहा हूँ और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगा दी मैंने। तो आप देखिए, ऊपर की सिलाई आपको ठीक नज़र आती होगी, लेकिन नीचे देखिए कैसे दाना आ रहा है। दोस्तों, ये दाना आता है तो ये किस वजह से आता है, मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से देखें और समझें। मान लो कंपनी में दो धागे आते हैं, जैसे मार्केट में दो धागे आते हैं, एक कंपनी का होता है, नॉन कंपनी होती है। अब ध्यान से आप देखना, कंपनी का धागा हमेशा जो होता है लेडीज़ काम में जो यूज़ होता है, याद रखें। मैं ये नहीं कह रहा किसी धागे को ख़राब, वजह क्या होती है, कोई धागा एक ऐसा होता है कि आपकी मशीन उसे एक्सेप्ट करने लगती है तो उसी पे ही काम अच्छा करता है। मान लो आप मोटा धागा यूज़ कर रहे हो, अब मोटा धागे में क्या होता है, ये 3 लेयर को बनाने के बाद धागा बनता है, तो इसे हम कहते हैं 3-प्लाई। 3-प्लाई आप धागा यूज़ कर रहे हो, और मैं इसे हल्का सा इस तरीके से दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं। अगर ये आपको दिखे तो ये 3 धागे से अच्छी तरीके से मरने के बाद ये बना है, देख रहे हैं आपको क्लियर। अब ये आपका हो गया 3-प्लाई। अब जो कंपनी का धागा है इसको मैं दिखा देता हूँ। अब जब इसको आप इस तरीके से घुमाएंगे अपने ओपोजिट साइड, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पे आपको 2-प्लाई दिखेगा। रुको, मैं हल्का सा और मल लेता हूँ। ये देखिए, ये देखो 2-प्लाई आपको नज़र आने लगा होगा, ये आपका 2-प्लाई धागा होता है, यानी दो धागों को जोड़ने के बाद ये आपका 2-प्लाई बनता है। तो मैं तो अपनी जो है यही यूज़ करता हूँ धागा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हो धागा, क्योंकि ये धागा बहुत कम जगह पर मिलता है, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इजी मिल जाता है। अब हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे ये धागा अवेलेबल ना हो, तो हो सकता है 3-प्लाई धागा है, तो आप एक बार अपने धागे को घुमा के देखना कि आप 3-प्लाई का धागा यूज़ करें। अगर आप 3-प्लाई का धागा यूज़ कर रहे हैं वो करने के बाद आपकी मशीन बिल्कुल ओके चल रही है, लेकिन क्या देखते हो हम कि आपने 2-प्लाई का धागा लगाया, वो किस सिचुएशन में लगाना पड़ता है, वो उस सिचुएशन में लगाना पड़ता है कि जहाँ आप धागा लेने गए तो दुकान पे जो धागा बेचते हैं वो हर तरीके का धागा रखते हैं। अब मान लो इसमें आपको 3-प्लाई में धागा नहीं मिला, जिस कंपनी का आप लगाते थे आपने 2-प्लाई का धागा लिया है। अब 2-प्लाई का धागे से आप सिलाई लगाते हो उस तरीके से, अब मोटा धागा था ये तो बिल्कुल ओके चल रहा था इसमें, ठीक है, लेकिन 2-प्लाई का धागा लगाया तो उसमें सीधी सिलाई लगाते हैं। मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये जो बराबर में सिलाई लगाई है, आप देखोगे सिलाई तो ओके है, लेकिन ये नीचे क्या हो रहा है। तो ये दोस्तों होता है सारा का सारा आपके इसके ऊपर, क्योंकि 3-प्लाई का धागा थोड़ा टाइट चलता है, जैसे 2-प्लाई वाला धागा आया ये बिल्कुल ढीला चलने लगा। अब आप देखेंगे ढीला किस तरीके का, तो ये देखिए आप इस पर ध्यान से देखना, इसको ऐसे खींच सकते हो आप, ढीले इससे पता चल जाएगा, एक जगह हाथ रख के ऐसे खींचो, ऊपर तक धागा खींच रहा है, ये हो गया आपका 2-प्लाई का धागा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, और एक तरीका ये देखना होता है, ये आपका खिंचाव देखना होता है, ये ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए नीचे का, ज़्यादा टाइट भी नहीं, सिर्फ आप इसको ऐसे पकड़ के खींचो तो ये कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, बाइबिन टकरानी नहीं चाहिए, तो समझ लो नीचे का धागा ओके। तो हम नीचे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते जब हमारा ऊपर से प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी नीचे की सिलाई ख़राब आ रही है तो आपको ऊपर वाले ये जो पेच होता है इसको ऐसे घुमाना है, इस तरीके से आप घुमाएंगे, ठीक है, तब आप इसको देखेंगे। हाँ भाई, अब थोड़ा मेरे को लगा कि टाइट आ रहा है, और यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अभी भी हल्का हल्का टाइट बना है, थोड़ा और कर लेते हैं, ये अब टाइट आ गया। आप देखो अब जो है हल्का सा प्रेशर पड़ रहा हाथ पे, जो निकल रहा था तेज़ी में वो चीज़ नहीं निकल रही, ठीक है, स्पीड देखो या कम होगी, हाथ में उसी तरीके से चला रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको कपड़ा लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करें, अब लगाएंगे सिलाई। तो अब ये सिलाई देखना लगने के बाद कैसी दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये नीचे की सिलाई है
और ये है ऊपर की सिलाई। अब देखो ये सिर्फ क्या है, हल्का सा पेंच टाइट करने की वजह से ये हो गया। अब जो आपको मैं समझा रहा हूँ जरा ध्यान से समझना, कभी भी अगर आपकी बाइबिन की सिलाई ओके है ठीक है और सिलाई ख़राब दे रही है नीचे की, तो आप ऊपर से करेंगे टाइट। अगर नीचे लच्छे बन रहे हैं तो ऊपर से टाइट करेंगे, अगर ऊपर लच्छे बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से बाइबिन खोलनी है। अगर ऊपर लच्छे बन रहे हैं तो आपको बाइबिन का धागा कहीं ना कहीं लूज़ होगा, आपको बाइबिन में ये जो पेच होता है इससे आप इस अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। इतना टाइट करेंगे कि जब आप ऐसे लगाएं और इसको ऐसे खींचें तो बिल्कुल धागा स्मूथ निकले और बाइबिन देखो कैसे घूम रही है, एक तरीके से घूमनी चाहिए, अटकनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस इसी तरीके से आप यहाँ कर लेंगे, यानी कि अगर आपके धागे नीचे की तरफ लच्छा देगा ऊपर टाइट करना है, ऊपर लच्छा देगा नीचे से आपको वो टाइट करना है। सिंपल आपका ये फंडा है, आपकी ये सिलाई बिल्कुल ओके आ जाएगी। अब देख सकते हैं आप इसमें और इसमें कितना फ़र्क है ठीक है। पहले ये ऊपर की सिलाई दिखाता हूँ, ये ऊपर की सिलाई थी जो मैंने इस तरीके से लगा के दिखाई थी आपको। अब आप इसको देखें ठीक है, नीचे की सिलाई है, सिर्फ हमने हल्का टाइट करा नीचे की सिलाई ओके हो गई। अब आपको ऊपर लच्छे दिखाऊं, ऊपर लच्छे कैसे पड़ते हैं तो देखो ध्यान से, मैं वैसे सिचुएशन में क्रिएट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन ख़राब है, आपकी मशीन ने एक्सेप्ट करा इस धागे को। अगर आपकी मशीन पहले से इस धागे को एक्सेप्ट करती तो इस धागे पर नहीं चलती, ये चीज़ का ध्यान रखें। मेरे यहाँ पे दोनों धागे आते रहते हैं तो मैं टू प्लाई यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास जब ये धागा आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से हल्का ये भी लूज़ कर लेता हूँ, नीचे से भी लूज़ कर लेता हूँ, सिलाई एक जैसी आती है। बिल्कुल आपको भी वही करना है कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये धागा आने के बाद थोड़ा टाइट कर लें यहाँ से, थोड़ा नीचे से टाइट कर लें, तो जो सिलाई आ रही थी वही सिलाई आएगी। और अगर जो लच्छे पड़ रहे हैं तो आपको वही करना है जो मैंने बताया। अब देखो ऊपर लच्छे डालने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ पर देखिए इसको लूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने लूज़ कर लिया पेंच पूरा। तो ये देखिए ये आपका इस तरीके से लूज़ हो गया पूरा। अब मैं लगाता हूँ और लगाने के बाद आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ, तो आप देखना किस तरीके से जो है आपके ऊपर की तरफ लच्छे पड़ेंगे क्योंकि नीचे का लूज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाता हूँ। अब देखो दोस्तों ये धागे को कटिंग कर लेते हैं। अब ये ऊपर की सिलाई है, आपको शायद दिखता हो ये हल्के हल्के दाने आ रहे हैं ठीक है, और नीचे की तरफ से दोस्तों देखिए वही कंडीशन हो गई जैसे हमारी है। अगर आप नीचे को और लूज़ करेंगे तो ये जो दाने हैं ना ये और ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम हल्का सा लूज़ और करके आपको दिखाते हैं। ये देखो इसको हल्का सा लूज़ और कर लेते हैं, हल्का लूज़ कर लिया। अब मैं आपको फिर दोबारा सिलाई लगा के दिखाता हूँ, तो ये सिलाई को भी आप ध्यान रखना किस तरीके से मैं लगाऊंगा। अब दोस्तों ये सिलाई मैं किनारे पर लगा के दिखाऊंगा आपको, किनारे पर सिलाई लगाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों किनारे पे हमने सिलाई लगाई, आप देखें ऊपर लच्छे आ गए, नीचे की तरफ आपका हल्का हल्का सा सिलाई इस तरीके से ख़राब आ सकती है लेकिन ऊपर लच्छे आ गए। ये क्यों आए, क्योंकि नीचे का धागा लूज़ है। याद रखना नीचे का धागा लूज़ होगा तो ऊपर लच्छे आएंगे, और अगर नीचे का धागे में लच्छे आएंगे तो ऊपर का धागा लूज़ होगा, ये सिंपल है। अब इसको मैं नीचे से टाइट कर लूँगा, ये सिलाई ठीक हो जाएगी। देखो आपको अभी लाइव दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर, ये मैंने टाइट कर दिया। अब टाइट कितना करना है जब मैं बाइबिन डालूंगा तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ अब सही आ रहा है धागा, अब इसको मैं लगाता हूँ और आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने धागा डाला और अभी भी थोड़ा लूज़ है लेकिन काम करेगा ठीक है, सिलाई लगाता हूँ इस जगह पर। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर के लच्छे ख़त्म हो गए, ये वाली सिलाई थी, और जस्ट आप इसको किनारे पे यहाँ देखेंगे यहाँ भी आपकी ओके आ गई, लेकिन अभी हल्के फुल्के लच्छे हैं तो आप नीचे से हल्का सा और टाइट कर लेना। बस यही कमियाँ होती हैं दोस्तों आप के लिए, मैंने मशीन के साथ जो है थोड़ी सी सिचुएशन पैदा करी है। मेरी मशीन अभी इस तरीके की नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ आजमाना ज़रूर, जो धागे वाली बात बताई ये भी आजमाना, वो कभी भी इस तरीके से आए तो जो तरीका आपको बताया गया है बिल्कुल वही आजमाना, आप देखना आपकी सिलाई बिल्कुल ओके हो जाएगी और कभी ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा मशीन के बारे में। जब तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।